तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक सैमसंग के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग का जो गुडलक मॉड्यूल होता है या गुडलक ऐप होता है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है नोटी स्टार, जिसके नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। नए अपडेट्स का क्या नए उसमें चेंजेस किए गए और क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नोटी स्टार ऐप के नए अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए चाहे तो अपने मोबाइल के आप गैलेक्सी स्टोर में भी जा सकते हैं या फिर आप वहां पर गुडलक ऐप में भी जा सकते हैं। गुडलक ऐप में जाने के बाद वहां पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट वहां पर मिल रहा होगा, पर आप देखेंगे लाइफ अप में आप देखेंगे आपको नोटी स्टार में एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे आपको उस पर अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे वो आपको ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया। 8 अगस्त 2023 को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 5.93 एमबी का एंड वर्जन नंबर इज 5.2.53.0। यहाँ पर आप देखें क्या क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले दिया गया है सपोर्ट विजार्ड्स, विजार्ड्स का सपोर्ट यहाँ पर आपको दे दिया गया है। साथ में सेट ऐप अनेबल टू क्लियर नोटिफिकेशन, आपको सेट ऐप अनेबल टू क्लियर नोटिफिकेशन, आपको जो भी ऐप को क्लियर करने में नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको 1UI 5.1 में सपोर्ट दे दिया गया है। सिग्नाइज विथ लॉक स्टेट व्हेन यूजिंग नोटिस स्टार ऑन लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में यूज करने के लिए यहाँ पर लॉक स्टेट दे दिया गया है और साथ में डार्क मोड का इनेबल कर दिया गया है। तो अब इसको यूज कैसे करें, तो उसको यूज करने के लिए हम वापस आ गए यहाँ पर गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में आने के बाद आपने यहाँ नोटिस स्टार को ओपन कर लिया। नोटिस स्टार में क्या होता है, यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन मिलती है, जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी चाहे व्हाट्सअप से रिलेटेड हो, चाहे इंस्टा से रिलेटेड हो, चाहे ऑल हो, सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसा कि मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ मैं थ्री डॉट्स पे आया, थ्री डॉट्स पे आने के बाद सेटिंग्स पे गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले एक्टिव नोटिस स्टार का ऑप्शन, तो एक्टिव कर लिया है। एप्लीकेशन लिस्ट में जाएंगे तो किन किन ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन चाहिए सेपरेटली वो भी यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं, और किस किस की आपको नहीं दिखे वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद यूज फिल्टर लिस्ट, जैसा कि मैंने इंस्टा और व्हाट्सअप की फिल्टर लिस्ट लगा सकी, आप चाहें तो यहाँ पर फिल्टर लिस्ट और लगा सकते हैं, जो भी यहाँ से रिलेटेड आएगी वो आपको अलग मिल जाएगी, आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा यूजिंग ऑन लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में आप इसको यूज़ कर पाएंगे, इसका आइकन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसका आइकन की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कैसा आइकन आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये आइकन आप कहाँ दिखेगा, कहाँ करना है आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज आउट करना है तो यहाँ पर उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपको इजीली वो दिख जाए। जैसे कि मैंने उसको ट्रांसपेरेंसी बहुत कम करके रखी है, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ पर आप सेफ आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नाइजेशन विथ स्क्रीन लॉक, ये नया दिया गया, जैसे कि वहाँ पर लिखा था यू कैन एक्सेस द नोटिस स्टार ऐप ओनली आफ्टर अनलॉकिंग व्हाइल स्क्रीन लॉक टाइप इज सेट, क्विक एक्सेस इज पॉसिबल इन नॉन सिक्योर लॉक टाइप। तो ये अच्छा फीचर एड ऑन किया गया। पहले क्या होता था, अगर आपने इसको ऑफ करके रखा है और मोबाइल को लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिस स्टार का ऐप का ऑप्शन मिल जाता था, जिसको आप डायरेक्टली ऐसे ही एक्टिव डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते थे, डायरेक्ट आप ओपन कर लेते थे। जैसे कि अभी ये ओपन हो चुका है, मैं आपको बताऊँ, मैं वापस आऊँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आ गया ऑल में, फिर लॉक करा, लॉक करने के बाद अब मैं करता हूँ यहाँ से अनलॉक, तो आप देखेंगे सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर एक्सेस हो गई है और सब आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये लॉक इस लॉक लगाए होने के बाद भी कोई एक्सेस कर सकता है, बट अगर आप इसमें जो एक नया फीचर दे दिया गया है, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो वो लॉक स्क्रीन पर यूज़ नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कोई लॉक स्क्रीन पर इसको खोलेगा तो जब तक अनलॉक नहीं होगा वो यूज़ नहीं होगा। तो ये नया फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें वापस यहाँ जाएँ थ्री डॉट्स पे सेटिंग्स पे, यहाँ पर यही दिया गया है नोटिफिकेशन स्टोर पीरियड का आपने नो लिमिट डाल रखा है, जितने टाइम के लिए देखते हैं ये दे सकते हैं। अब यहाँ पर आए कि चेंजेस के बारे में, तो क्या क्या नया चेंजेस था कि सपोर्ट विजार्ड्स का ऑप्शन दे दिया गया, यहाँ पर जो भी विजार्ड्स होंगे वो आपको वहाँ पर सपोर्ट हो जाएंगे, और डार्क मोड का भी ऑप्शन दे दिया गया। जैसा कि अगर मैं अब इसको डार्क मोड ऑन कर लूँ, तो मैंने डार्क मोड ऑन कर लिया, डार्क मोड के बाद अब वापस मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब ये डार्क मोड में भी आ रहा है। वैसे इसमें डार्क मोड का ऑप्शन सपोर्ट नहीं था, अब वो भी यहाँ पर सपोर्ट ऐड ऑन कर दिया गया है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर नई ऐड ऑन की गई है। तो ओवरऑल दोस्तों इसमें कुछ बग्स फिक्स आउट किए गए हैं और एक ही नया फीचर ऐड ऑन किया गया है जो कि यूजफुल, दो नए फीचर यहाँ पर ऐड ऑन किए गए, जैसा कि सिग्नाइज विद स्क्रीन लॉक वाला, ये फीचर बहुत शानदार दे दिया गया है।
दूसरा यहाँ पर डार्क मोड का सपोर्ट दिया है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड ऑन करके दे दी गई हैं, जिसको आप अच्छे से यूज़ करते हैं, नोटी स्टार यूज़ करने में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। और उसके साथ भी और भी कुछ कुछ नए नए छोटे छोटे फीचर्स ऐड ऑन किए गए, जब आप उसको यूज़ करेंगे, जब आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसा कि वहाँ पर कि कुछ बग्स आ रहे थे कि एप्लीकेशन में अगर आपने कुछ सेट आउट कर रखा है फिल्टर लिस्ट में, तो वो भी यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ पर क्लियर कर रहे थे अपनी चैट्स को तो उसमें भी कुछ इश्यूज थे, तो सब यहाँ पर फिक्स आउट कर दिए गए ताकि आप अच्छे से इसका यूज़ कर सकें। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसका मेन काम क्या है कि इसमें नोटिफिकेशन सेव हो जाती है, जिसको आप बाद में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन होगी सब यहाँ पर सेव हो जाएगी, बाद में आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं कितने भी टाइम की। तो ये इसका बहुत ही शानदार फीचर था। आप बोलोगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी मिलता है, बट नोटिफिकेशन हिस्ट्री के आने से पहले ये वाला फीचर वर्क कर रहा था और ये काफ़ी अच्छा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये पहले पता था या नहीं था, और आपको ये अपडेट्स कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।